जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों को हमारे स्पोर्ट्स लाइव डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ जो है CPL रिपब्लिक बैंक CPL T20 लीग जो है इसका मैच नंबर 3 की हम बात करेंगे। ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स के बीच में मैच होगा 19 अगस्त 2023 शाम के 7:30 बजे का ये मैच रहेगा। शनिवार का दिन होगा। मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोनों ही टीम्स का पहला मैच है इस सीरीज में। और अगर सबसे पहले बात करें ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स की, तो ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स के जो कैप्टन हैं कायरन पोलार्ड हैं, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। और यहाँ पे अगर हम टोटल भी देखते हैं तो 27 नंबर बन रहा है डे का। तो यहाँ पे कायरन पोलार्ड को भी हम देख करके चलते हैं तो इनका जो 3 नंबर बन रहा है रूट नंबर, जो कि 9 और 3 के काफ़ी हद तक कंपैटिबल है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इनका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। 20 से 25 के आसपास का इनका स्कोर रहेगा। प्लेयर्स भी यहाँ पे ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स के बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। स्टार्टअप अच्छा लेंगे बट धीरे धीरे 12 ओवर के बाद जो है ये मैच थोड़ा डाउन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स की, तो सेंट किट्स के जो कैप्टन हैं उनकी मेरे पास अभी तक डिटेल्स नहीं आई हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख करके भेजिएगा कि कौन है कैप्टन। और यहाँ पे अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो प्लेयर्स सेंट किट्स के बहुत अच्छा खेलेंगे। स्टार्टअप थोड़ा सा इनका लो रहेगा बट धीरे धीरे जो है प्रदर्शन इनका अच्छा जाएगा। तो एक तरह से हम कहते हैं ना लेवल होना, तो सेंट किट्स का अगर ऐसे बढ़ेगा तो ट्रिबैंगो का ऐसे थोड़ा सा घट सकता है, जिसकी वजह से ट्रिबैंगो को थोड़ी सी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं यहाँ पे। और कोशिश करेगी ट्रिबैंगो जीतने की बट इसके बाद बहुत सारे मौके रहेंगे, तो कोई ऐसे दोनों ही टीम्स के लिए परेशान होने वाली या स्ट्रेस वाली बात नहीं है। यहाँ पे टॉस जीतने के चांसेस मैं कहूँगी कि ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स के हैं। ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स अगर सेकेंड इनिंग्स में खेलती है तो डेफिनेटली इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में खेलती है फिर थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो डिपेंड करता है कौन सी इनिंग्स में ये मैच खेलते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें टॉस जीतने के, तो टॉस जीतने के चांसेस जो हैं ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स के लग रहे हैं। और मैच अगर विनिंग की हम बात करें तो सेंट किट्स और नेविस पेट्रोट्स के हैं। तो सेंट किट्स और नेविस पेट्रोट्स ये मैच नंबर 3 जो है CPL 2023 का जीत सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं, तो इसके लिए फटाफट से आप जुड़िएगा और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। हमारे लिए तो क्या ही अच्छा रहेगा कि हम जो है आपको डेली आकर के एंटरटेन करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और आप पैसा जीतते रहेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। नमस्कार, जय श्री राधे।